हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। सीधा सवाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शाम को 5 बजे सीधा सवाल क्या है, जो आपके मन में है, जो हमारे मन में है, जो मुझे लगता है हर देशवासी के मन में है कि इस चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूटनीतिक तरीके से चीन को जवाब दे रहे हैं। सेना अलग तरीके से जवाब दे रही थी, क्योंकि खबर यह आ रही है कि अब चूंकि वहां पर बातचीत चल रही है कोर कमांडर्स की और मेजर जनरल लून जो है वहां पर मौजूद है मोल्डो में, ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। 6 जून के बाद पहली मर्तबा हो रहा है। वहां से खबर यह आ रही है कि चीन का भी कमांडर मारा गया है। तो ऐसे में चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए, किस किस लेवल पर होना चाहिए, इस पर बातचीत करेंगे। राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं, आप जानते हैं, विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के लिए। पहली हेडलाइंस आपको पता है ना क्या थी, जो 30 हमारी सड़क है उनके निर्माण को लेकर उसकी गति को बढ़ा दिया गया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और ऐसे में आप समझ लीजिए कि उधर राजनाथ सिंह रशिया गए हैं चीन को घेरने के लिए। वहां पर चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद होंगे, लेकिन किसी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत यहां पर राजनाथ सिंह की, हमारे रक्षा मंत्री की और चीन के रक्षा मंत्री की नहीं होने वाली है। दूसरा ये कि जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सड़क के निर्माण को किसी भी कीमत पर गति देनी है, तेजी से उसे आगे बढ़ाना है ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो चुके। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि वहां मोल्डो में 11:30 बजे जो बातचीत शुरू हुई है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। और उसी बातचीत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि चीनी सेना जब मुठभेड़ गलवान घाटी में कर रही थी तो उनका जो कमांडर है वो भी मारा गया है। मेजर जनरल लिन लुई के साथ और लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर के साथ इस वक्त वहां पर बातचीत चल रही है। ये तीन मोर्चे मैंने आपको बताए। अमित शाह सड़क के निर्माण पर ध्यान दे रहे हैं, उधर राजनाथ सिंह पूरे चाइना को किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरना है, ये दूसरा मोर्चा है। तीसरा क्या है कि सेना अपनी गति से आगे बढ़ रही है। वहां पर एक बार फिर से 6 जून के बाद टॉकिंग टेबल्स पर आ चुके हैं चीन के भी बड़े अधिकारी और यहां से हिंदुस्तान के भी बड़े अधिकारी सैन्य पहुंचे हैं। चौथा मोर्चा आप और हम कर रहे हैं, क्या है वो, चीन का बहिष्कार। गुस्से में इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उबल रहा है और उबलना जरूरी भी है, क्योंकि चीन की ये चालाकी, चीन की ये चालबाजियां किसी को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए इन सारे मोर्चों पर बातचीत करने के लिए और क्या तरीका होना चाहिए, पक्का इलाज क्या होना चाहिए, बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनसे बात कर ली जाए। हमारे साथ गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। बाकी तमाम मेहमान, रोहन गुप्ता भी हमारे साथ है, मेजर जनरल जी डी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और स्वदेशी मंत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले जल्दी से देखिए पूरी रिपोर्ट। गलवान घाटी में चीन के सबसे बड़े धोखे के बाद पूरा देश गुस्से में है। एक एक भारतवासी चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। चाइना का बहिष्कार करो। चीनी सामानों के बहिष्कार से लेकर चीन के साथ संबंधों को खत्म करने की मांग हो रही है। आज पूरा देश पूछ रहा है चीन को कैसे काबू में करेंगे। कूटनीति से हारेगा चीन, सीमा पर सख्ती से हारेगा चीन, या काम करेगा बहिष्कार का हथियार। चीन का पक्का इलाज क्या है, क्या है चीन का पक्का इलाज, आप मुझे भी बता सकते हैं। ट्वीट कीजिए, अपनी राय दीजिए। मैं बीच बीच में आप जो ट्विटर के जरिए मेरे साथ अपने भावनाओं को शेयर करेंगे वो भी मैं बाकी मेहमानों के साथ साझा करूंगी और ऑन एयर आपके नाम के साथ बताऊंगी कि आप क्या सोचते हैं चीन का पक्का इलाज क्या होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, विवेक काटजू साहब का जिक्र करना मैंने उस वक्त जिक्र नहीं किया, पूर्व राजनयिक है जुड़ चुके हैं, और प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि महासचिव है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। शुरुआत सबसे पहले गौरव भाटिया मैं आपसे करना चाहती हूँ। गौरव भाटिया, पक्का इलाज क्या है, पक्का इलाज क्या उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कुछ नहीं किया जा रहा है, गहरी नींद में सो रहे हैं, वो हो रहा है।
जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगा ये मत कहिए कि विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। एक सर्वदलीय बैठक होती है और सभी दल केवल कांग्रेस पार्टी को और लेफ्ट को छोड़ के कहते हैं कि वो सरकार के साथ है और देश की सेना के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सरकार के साथ है ये कहने में तकलीफ हो जाती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उससे शुरुआत करना चाहूंगा। देश को आश्वस्त किया, उन्होंने कहा कि एक एक इंच भूमि जो भारत की है वो सुरक्षित है और हमारी वीर सेना उसका सुरक्षा कर रही है। दूसरा उन्होंने कहा था कि हमने देश की सेना को खुला हाथ दे दिया। आज भी जो खबरें आई हैं कि देश की सेना को कह दिया गया है बिल्कुल कि अगर जरूरत पड़े तो करारा जवाब भी देना और जो जरूरत हो उसमें सब कुछ आता हो, और मैं टीवी चैनल से नहीं कहना चाहूंगा, वो जरूर करिए। दूसरी बात, 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी परचेज करना हो तो वो भी अधिकार सेना को दे दिया गया है। लेकिन दुखद क्या है, मैं एक बड़ी बात उठाना चाहता हूं। क्या इस तरह की ओछी राजनीति कि राहुल गांधी कहते हैं कि जमीन हड़प ली, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक एक इंच भूमि सुरक्षित है तो जमीन हड़प ली का क्या मतलब होता है? सुरेंद्र मोदी मतलब लिखना चाहते हैं सरेंडर मोदी, या तो इनको स्पेलिंग नहीं आती कि कैसे सरेंडर लिखा जाता है, या इतनी शक्ति भी नहीं कि जो लिखते हैं ट्वीट में वो मान ले कि हाँ सरेंडर मोदी लिखा है। मैं कहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरा, कहां छुपे हैं प्रधानमंत्री, डरिए मत। अरे देश का प्रधानमंत्री ना कभी डरा है ना डरेगा। और अगर ये कहते हैं समर्पण कर दिया, देश के प्रधानमंत्री के समर्पण करने का अर्थ समझते हैं आप? नहीं समझते हैं। अगर देश की सेना पे इनको विश्वास होता, प्रधानमंत्री पे विश्वास होता, तो ये कभी ना कहते कि हमारी जमीन हड़प ली गई है। और इसीलिए राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। रोहन गुप्ता, क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? पहली ऐसी पार्टी होगी जो 6 साल सत्ता में रहने के बाद भी आज भी विपक्ष में। और जो प्रधानमंत्री जी की बात की, जनरली तो वो अपने वादे पूरे नहीं करते। उन्होंने एक वादा किया था देश से कि मैं चीन को उसकी भाषा में जवाब दूं, और आज ये हो रहा है। चीन जो भाषा बोल रहा है प्रधानमंत्री भी वही भाषा बोल रहा है। देखिए रूबिका जी, बहुत दिनों से हम डिबेट कर रहे हैं, काफी एग्रेसिव डिबेट होती है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, 45 दिन से कई लोगों ने सरकार को सवाल पूछे कि क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा था। जो एमईए का भी स्टेटमेंट है, अब जो गालवान वैली की बात करें, वो गालवान वैली भारतीय साइड में है, एलएसी के, वो सब जानते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। जब मुठभेड़ होती है, ठीक है, चीन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। हमने प्रधानमंत्री जी को ये नहीं बोला कि आप अठाराबाद जाओ, झूले दिलाओ, फोटो खिंचवाओ, हमने नहीं बोला। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने चीन पे जो मोदी जी ने भरोसा किया उतना नहीं किया, ठीक है, उनकी एक कैलकुलेशन थी, वो गलत थी, दैट इज ओके। आज जब देश की, जब हमारी भूमि की बात है, सुरक्षा की बात है, एटलीस्ट प्रधानमंत्री 45 दिन के बाद, वो भी 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद, आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, उसके बाद आप स्टेटमेंट करते हैं, आप जो हकीकत है उसका स्वीकार तो करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि गालवान वैली में, एक तरफ एमईए का स्टेटमेंट आता है कि गालवान वैली में मुठभेड़ हुई, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे वहां कोई घुसे नहीं, तो क्या गालवान वैली भारत में नहीं है क्या? देखिए मुद्दे यहाँ पे कहां से आ रहे हैं रूबिका जी, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर आप दो मुद्दे को जो जोड़ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री गलत बोलेंगे फिर आप बोलेंगे कि आप साथ दीजिए, वो नहीं होगा। देश की जनता को आज ये दुख हो रहा है। प्रधानमंत्री को हर बार देश की जनता ने साथ दिया। नोटबंदी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब आतंकवाद मिट जाएगा, गलत नोट चली जाएगी, क्या हुआ, 100 लोग मर गए, कोई परिणाम नहीं आया। जीएसटी बोला कि सारे छोटे व्यापारी खुश होंगे, क्या हो गया, आज बीच में मत बोले, बीच में मत बोले। अरे बीच में बोल रहे हैं ना, रोहन गुप्ता, गौरव भाटिया, देखिए बहुत 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 कायदे से सुन रहे हैं, कायदे से सुन रहे हैं, सब आपको बिल्कुल सुन रहे हैं। अरे नहीं नहीं करिए, नहीं 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 रूबिका जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, रुकिए आप। बात सिर्फ इतना है, देश ने जब जब भी प्रधानमंत्री पे दिल से भरोसा किया, देश को क्या मिला? आज कोरोना के केस हम भूल चुके हैं, 15,000 से ज्यादा केस देश में, जो 31 दिन में देश ने भरोसा किया लॉकडाउन पे, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 21 दिन में चेन तोड़ेंगे, क्यों आज कोरोना को वो भूल गए?
आज लॉकडाउन के हिसाब से मजदूर हमारे मरे बेचारे भूखे, क्यों प्रधानमंत्री जी भूल गए? आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है रूबिका जी, अगर मैं आ सकता हूँ प्रधानमंत्री, अरे अरे आप बाद में आइए ना, अरे रूबिका जी, रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, मुझे लगता है गुप्ता जी हो गया ना, नहीं नहीं प्लीज, गौरव भाटिया, दो सेकंड, गौरव भाटिया, सिर्फ दो सेकंड, मेजर जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं यहाँ पर, मैं राजनीतिक बहस में नहीं, मेरा इंटरेस्ट राजनीतिक बहस में है ही नहीं रोहन गुप्ता जी, 10 सेकंड और बताइए मुझे, तो आपने 10 सेकंड और बताइए रोहन गुप्ता, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री अगर बोलने में आपको लगती है कि कोई चूक हो गई बोल दीजिए, कोई हो सकती है, आप भी आदमी है, हम भी आदमी है, हम साथ में मिलकर चीन से लड़ेंगे, चीन पे भरोसा करने की गलती आपने की है ठीक है, पर हम साथ में लड़ेंगे और एक भी इंच जमीन ये चीन गद्दार चीन को हम चैलेंज देते हैं कि मिलकर हम उसको लड़ेंगे, और उसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है और सच बोलना जरूरी है। ओके ओके रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता, एक तो जब आप कहते हैं देश को धोखा दिया, तो मुझे लगता है कि आपको दोबारा जो चुनाव आए थे और उन चुनावों में जो जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, उससे कुछ चीजें बहुत क्लियर हो जाती है कि देश ने भरोसा किया कि नहीं किया, चाहे वो नोटबंदी हो, आपने पीएम मोदी पर और आपने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, ना बालाकोट एयर स्ट्राइक पर आपने भरोसा किया, ना आपने बाकी किसी डिसीजन पर भरोसा किया, ना बाकी नीतियों पर भरोसा किया, और नहीं मैं आपको बस मैं क्लियर लॉजिक की बात कर रही हूँ, मैं क्लियर लॉजिक की बात कर रही हूँ, देश तो देश की जनता ने, नहीं नहीं दूसरे, नहीं लॉजिक मत बताइए मुझे, अगर आप रोहन गुप्ता मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए सुनिए, मैं आपको लॉजिक रोहन गुप्ता रुकिए, इत्मीनान से, इत्मीनान से, नहीं नहीं मैं पहले जीडी बख्शी देंगे लॉजिक, मैं कह रही हूँ जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी आपको लॉजिक देंगे, मेजर जनरल जीडी बख्शी रोहन गुप्ता को, भाजपा प्रवक्ता की तरह बात, अच्छा रोहन गुप्ता जी आपको लगता है कि मैं भाजपा, अच्छा मैंने नहीं सुना था क्योंकि दूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है रोहन गुप्ता, नहीं नहीं जो देश की बात, जो देश की बात करें उसको आप लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं, प्रॉब्लम ये है रोहन जी की बात करती, ओके बस अब रुक जाइए, मेजर जनरल जीडी बख्शी मेरे लिए महत्वपूर्ण है इस वक्त और मैं उनकी बात सुनना चाहूंगी, जनरल बख्शी लॉजिक मांग रहे हैं, रोहन गुप्ता जी लॉजिक मांग रहे हैं, वरना आपकी तरफ भी सर्टिफिकेट आएगा बीजेपी प्रवक्ता का। सर देखिए ऐसा है कि सर्वप्रथम तो मैं कहूंगा कि किसी भी मैच्योर प्रजातंत्र में जब हमारे दरवाजे पे दुश्मन होता है तो हम आपस के जो भेदभाव सब छोड़ छाड़ के एकजुट होके दुश्मन से लड़ते हैं। मेरी पार्टी को अपील है कि वो भी इस वक्त कूतू महमे के बजाय एक प्लेटफॉर्म पे आए और भारत के पक्ष से बात करें, इंडिविजुअल पार्टीज के पक्ष से नहीं। नाउ जहां तक सवाल है, देखिए चीन ने जो घृणित कार्रवाई की है 15-16 जून की रात को, उससे जो 1993 की, खासकर 1996 की जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड, उसका जो आर्टिकल 6 था कि गोली फायर नहीं की जाएगी, वो तो साहब वो गया है चूल्हे, बिल्कुल ही चीन ने उसको कुचल दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे जो तीनों सेना अध्यक्ष है, उन्होंने अब खुली छूट दी है हमारी सेना को कि उसको माकूल जवाब दें, जरूरत पड़े तो फायर खोल के जवाब दें, ठीक है, जो भी जरूरत है उसको अब मिलना चाहिए, क्योंकि वो जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड जिसके तहत ये दूरा कुश्ती और मुक्काबाजी हो रही थी, अब वो बिल्कुल गया चूल्हे। चीन धोखेबाज है, बड़ी मुश्किल से हमने वो जो है 255 किलोमीटर की सड़क बना ली है, विच इज दी डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, केवल सड़क बनाना काफी नहीं, अब हमको उस सड़क की सुरक्षा करनी पड़ेगी, और सुरक्षा करने के लिए मेरी सरकार से आह्वान है, अपील है, आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल फिक्र मत करिए, जो पहाड़ी पकड़ने की जरूरत है वो पकड़ी जाए, बाहर में जाए एग्रीमेंट से एग्रीमेंट, देश की सुरक्षा पहले आती है, और ये सब चोचलेबाजी जो फॉरेन मिनिस्ट्रियां करती है वो बाद में, ये हमको अपने देश की सुरक्षा पे देना है, क्योंकि चीन बिल्कुल
दगाबाजी धोखेबाजी पे आमादा हो गया है। सबसे पहले तो उसने पूरी दुनिया को एक गिफ्ट दिया है, कोविड का गिफ्ट दिया है, और अब वो हमारी सीमाओं पे चढ़ रहा है साहब। बेवजह अपनी दो ब्रिगेडें लेके आ गया है, तीसरी ब्रिगेड पीछे है, तो ये तो नहीं चलेगा साहब। आप मुझे बड़ी खुशी है कि हमने भी काउंटर मोबिलाइज किया है, हम भी आईबॉल पे आईबॉल बैठे हुए हैं। एक कर्नल और 20 जवानों की शहादत हमारी हो चुकी है, 10 फॉर एंड नो फर्दर। अब चैटें जो है ये सब जो हो रही है ये बंद होनी चाहिए, एकजुट होकर हमको चीन को करारा जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है पांचवी छठी मरतबा आपने एकजुट शब्द का इस्तेमाल किया है। इकोनॉमिक बायकॉट, इसीलिए तो यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान खंडेलवाल साहब मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले विवेक काजू जी, बार बार विपक्ष का ये कहना है कि झूठ बोला जा रहा है, भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, देश को भ्रम में डाला जा रहा है, प्लीज सच्चाई बताइए विवेक जी, क्योंकि आप एक थर्ड एम्पायर की तरह सारी चीजों को देखते हैं, ना इधर ना उधर, इंक्लिनेशन कहीं नहीं। आप मुझे बताइए क्या भ्रामक प्रचार हो रहा है, क्या सरेंडर कर दिया हमने? देखिए, आपने मुझे ये अंपायर का दर्जा दिया है, मैं ऐसा कोई नहीं दर्जा स्वीकार करता हूँ, ना मुझ में ये क्षमता है। मैं पूर्व राजनयिक रहा हूँ और राजनयिक की मांग ऐसी स्थिति में ये होती है कि किसी भी देश का राजनयिक राजनैतिक वर्ग और सामरिक वर्ग बिल्कुल एक हो जाए, एक चट्टान की तरह खड़े हो साथ। अब उसमें राजनयिक वर्ग का हर हिस्से का योगदान जरूरी, सरकार का भी योगदान जरूरी है, विपक्ष का भी योगदान जरूरी। एकता एक तरफ से नहीं बनती, सब तरफ से बनती है। इसीलिए मैं विनम्र निवेदन अपने पूर्ण जो हमारे राजनयिक वर्ग के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे करना चाहता हूं कि आज के दिन जो भी बातचीत आप करें, अगर आदान प्रदान हो तो उस कॉन्फिडेंशियलिटी में होता, पहली चीज। दूसरी चीज, एक तरफ जनरल साहब ने कहा हमें एकजुट होना चाहिए, फिर उन्होंने शब्द प्रयोग किए विदेश मंत्रालय के चौंचलेबाजी। मैं उनसे भी विनम्र निवेदन करूंगा कि विदेश मंत्रालय और राजनय का एक रोल होता है, इसको चौंचलेबाजी करके आप इसको डिमीन ना करें, नीचा ना दिखाएं। जब ये किसी भी देश का, इस पर जवाब देंगे मुझे जरूर है। हाँ, लेकिन एक मुझे एक यकीन मुझे है कि इस पर वो भी जवाब देना चाहेंगे। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज कहने दें राजू साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है। रूबिका जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा।